हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। गरम गरम दूध कांच के ग्लास में लिए शिल्पी अपने कमरे में आ गई थी। वो भारी सा लहंगा, ऊपर से उसके बदन पर लदे भारी गहने और लंबा घूंघट, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दूध का ग्लास किशन को देते समय शिल्पी गिरते गिरते बची। चलते वक्त उसके पैरों में लहंगे की रुकावटें आ रही थी। जैसे ही शिल्पी थोड़ा संभली तो फिर उसका पैर अटका और इस बार उसे किशन ने थाम लिया। तुम ठीक हो ना? जी। रुको एक मिनट, यहाँ खड़ी हो जाओ। उस फूलों से सजे कमरे में हर तरफ दीवारों पर गुलाब की महक थी। बेड पर बिछी वो सफ़ेद चादर गुलाब की पंखड़ियों से सजी थी और बेड के एक किनारे खड़ी थी शिल्पी। किशन अपनी अलमारी को खोलकर कुछ देर तक वहीं बिजी था। जी, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं, तुम वहीं रुको, एक कदम मत चलना, किशन ने शिल्पी को डांटते हुए कहा। पर उसकी डांट में शिल्पी को अपनापन लगा। ये लो। किशन ने शिल्पी को एक रेड कलर की ढीली ढाली टी शर्ट और एक ढीला ढाला लोअर दिया। जी मैं क्या करूँ इसका? तुम कपड़े बदल के इसे पहन लो, चल भी नहीं पा रही हो। पर कोई देख लेगा तो? अरे अब कोई नहीं आएगा, वैसे भी हमारी सुहागरात है आज। शिल्पी ने नज़र झुकाई और कपड़े चेंज करके वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आई। उन ढीले ढाले बेढंगे कपड़ों में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी मेहंदी भरी कलाइयाँ लाल चूड़ियों से सजी थी, खुली बाल और मांग में भरा वो लाल सिंदूर, छोटी सी लाल बिंदी माथे पर। किशन कुछ पलों के लिए जैसे ठहर गया था। बैठ जाओ आराम से। थैंक्स। किस लिए? किशन ने सवाल किया। मुझे अब ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे भी, क्योंकि तुम्हें वैसे परेशान उलझा देखकर मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था। ज़िंदगी की शुरुआत सुलझते हुए रिश्तों से करनी चाहिए और मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ। अब तुम आराम कर लो, थक गई होंगी। सुबह उठकर वापस चेंज कर लेना, कोई नहीं आएगा, सो जाओ। इतना कहकर किशन बेड के एक ओर लेट गया और शिल्पी दूसरी ओर। शिल्पी को बहुत अच्छा लगा था कि किशन जैसे लड़के भी होते हैं जो पति होने का रोब ना दिखाकर पहले अच्छे दोस्त बनते हैं। शिल्पी को किशन से पहली रात में ही प्यार हो गया था। दोस्तों सुनते रहिए प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। फिर मिलूंगी एक नई लव स्टोरी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।